खबर प्रयागराज जनपद से, जहां ब्रिटेन में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन ने दुनिया भर के लोगों की चिंता बढ़ा दी है। नए प्रकार का ये कोरोना वायरस मुख्य तौर पर दक्षिण पूर्व इंग्लैंड, खास तौर पर लंदन और केंट में सामने आया है। इसी के चलते वहां की सरकार को सख्त पाबंदियों के साथ चौथे टीयर का लॉकडाउन लगाना पड़ा है, जिसके चलते छुट्टियों के मौसम के लिए तैयारियां कर रहे लाखों लोग निराश हो गए हैं। SARS COVID-2 वायरस के नए संस्करण को BA.1.1.7 कहा गया है। यह पुराने वेरिएंट की तुलना में बहुत अधिक संक्रामक पाया गया है और इसके परिणाम स्वरूप पूरे ब्रिटेन में कई मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है। नए वेरिएंट के सबसे पुराने सबूत सितंबर में सामने आ गए हैं, लेकिन हाल के हफ्तों में देश में टीकाकरण अभियान लागू होने के बाद मामलों में तेजी देखी गई है। इंग्लैंड में 60 से अधिक स्थानीय अधिकारियों ने नए संस्करण से संबंधित मामलों की जानकारी दी है। यह निश्चितता के साथ कहना जल्दबाजी होगी कि कोविड का नया स्ट्रेन पुराने संस्करण के कारण होने वाले किसी भी लक्षण से अलग होगा माना जाता है। नए स्ट्रेन में अलग अलग लक्षण नहीं है, प्राथमिक लक्षण वही रहते हैं, जिसमें लगातार खांसी, सीने में दर्द, बुखार, स्वाद व गंध का न आना, दर्द और ठंड लगना शामिल है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर आम जनता बिल्कुल बेपरवाह दिखाई दे रही है। यहाँ कोई सावधानी नहीं बरती जा रही है। 95% लोग सड़कों पर बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते घूम रहे हैं। डॉक्टर राजीव सिंह का कहना है कि लोगों की यह लापरवाही भारी पड़ सकती है। हालांकि सरकार इस मामले में अलर्ट हो गई है और कोविड जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। प्रयागराज जनपद से राजीव की रिपोर्ट। जो इधर देखिए, फिर से कोरोना का सेकंड वेव आने की संभावना बन रही है और साथ में कोरोना का नया स्ट्रेन भी आ गया है, जो कि जिसके केसेस भी ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा पाए गए, प्लस वहां से फिर वो हमारे कंट्री में भी इस स्ट्रेन के केसेस मिलने लगे हैं। क्योंकि इधर दो कारण हो रहे हैं, एक तो हम पहले की तुलना में गंभीर कम हैं, पहले की तुलना में अब बचाव कम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोरोना है ही नहीं। तो लोग ना तो प्रॉपर मास्क लगा रहे हैं, ना तो सैनिटाइजेशन और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। ये सबसे मुख्य बड़ा कारण है जिसकी वजह से इस नए स्ट्रेन को हमारे कंट्री में फैलने में बहुत सहायता मिल रही है, इसीलिए इसके केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि अभी अपने 5 प्रदेश में बहुत तेज़ी से इसके केसेस बढ़े हैं, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में इसके केसेस बहुत ज़्यादा हैं, कई जिलों में, महाराष्ट्र में फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया, कंट्री में, यूके में 5 कंट्री में लॉकडाउन लगा दिया गया है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम लोग जागरूक रहें, हम जो कोरोना से बचाव के तरीके हैं उनका रेगुलर पालन करें। तरीके बिल्कुल वही हैं कि हमें रेगुलर हैंड सैनिटाइजेशन और हैंड वॉशिंग करना है। कहीं भी अगर हम जा रहे हैं, बाहर हैं, काम कर रहे हैं, तो हम मास्क अवश्य लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इन चीज़ों को करके हम जो है इससे बच सकते हैं। एक ही चीज़ अच्छी है कि जो ये नया स्ट्रेन है उसमें मॉर्टेलिटी कम है, लेकिन इसके स्प्रेड होने की जो गति है, जो रेट है, वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए सबको बहुत जागरूक रहना होगा, नहीं तो फिर से बहुत तेज गति से ये कोरोना फैल सकता है हमारे बीच में और फिर से हम नई समस्या में पड़ सकते हैं। धन्यवाद। परिचय, डॉक्टर राजीव सिंह, नारायण सुपर, प्रयाग।